अभी हाल ही में इंडिया ने MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अपने इकलौते इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल और ये टेक्नोलॉजी इतनी खास है कि इसके चर्चे जो हैं पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं। हालांकि इंडिया जो है वो तो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी की बात करता है जब बात न्यूक्लियर वेपन्स की आती है, और ये टेक्नोलॉजी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि इस तरह का टेक्नोलॉजी जो कि दुनिया में बस किसी खास चुनिंदा देशों के पास ही है, और ये टेक्नोलॉजी अगर इंडिया के पास हो जाती है तो वो इंडिया के न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स के सर्वाइवलिटी को और इंक्रीज कर देते हैं। हालांकि इस टेक्नोलॉजी का यूज करके फर्स्ट स्ट्राइक भी किया जा सकता है। हाइपोथेटिकली ये सोच सकते हो कि इंडिया के वो मिसाइल्स जिसमें कि MIRV टेक्नोलॉजी होगा वो पहले से ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस को टारगेट करके रखा रहेगा, और जब उसे पूरी तरह से कंफर्मेशन हो जाएगा कि सामने वाला जो कंट्री है वो न्यूक्लियर अटैक करने वाला है तो इंडिया पहले ही अटैक कर सकता है और अपने डैमेज को कंट्रोल कर सकता है। MIRV का टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होता है। इसमें बड़े मिसाइल्स, छोटे छोटे वॉरहेड्स और एक्यूरेट गाइडेंस, उसके बाद एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि वॉरहेड्स को एक्यूरेट टाइमिंग और एक्यूरेट जगह पे फ्लाइट के दौरान ही रिलीज करे, इस तरीका का अरेंजमेंट ही तो इस टेक्नोलॉजी को खास बनाता है। सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका ने बनाया, उसके बाद वो इसको ICBM के साथ मर्ज किया 1970 में। ठीक इसके अगले साल 1971 में सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM में भी MIRV टेक्नोलॉजी को मर्ज कर दिया, क्योंकि वो कोल्ड वॉर का समय था तो उसमें रशिया कहां पीछे रहने वाला था, तो उसने भी इस टेक्नोलॉजी को अगले कुछ सालों में बना लिया। उसके बाद UK, चाइना और फ्रांस, इन सब के पास भी MIRV टेक्नोलॉजी से लैस बैलिस्टिक मिसाइल्स है। वो देश जो कि UN में वीटो पावर लेके बैठे हैं उनके पास ये टेक्नोलॉजी पहले से ही है। ये टेक्नोलॉजी जितना कॉम्प्लेक्स है उतने ही काम के भी हैं। MIRV टेक्नोलॉजी से लैस कोई भी मिसाइल एक बार में मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है, और सारे वॉरहेड्स को इंडिपेंडेंटली डिफरेंट लोकेशंस पे टारगेट किया जा सकता है, चाहे वो लोकेशन 100 किलोमीटर के फासले पे क्यों ना हो। एवरी वॉरहेड्स को डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट डायरेक्शन में भी टारगेट किया जा सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो एक मिसाइल से बहुत सारे टारगेट को अचीव किया जा सकता है, यानी कि अगर किसी वॉर में इसका यूज किया जाए तो बहुत कम ही मिसाइल से बहुत ज्यादा ठिकानों को एक साथ टारगेट किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी ठीक उसी तरीके से है जैसे आपने पुराने जमाने के महाभारत और रामायण में देखा होगा कि जब कोई वॉरियर एक तीर चलाता था तो हवा में ही उस एक तीर का बहुत सारा तीर बन जाता था। सेम वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी एक मिसाइल से बहुत सारे टारगेट को एक साथ हिट किया जा सकता है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि किसी एक टारगेट को बहुत सारे वॉरहेड से एक साथ हिट किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल सिस्टम की एक और खास बात होती है कि उसको इंटरसेप्ट करना आसान नहीं होता है, क्योंकि MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल जब जमीन से ऊपर उठता है या फिर सबमरीन से ऊपर उठता है तो वो एक ही मिसाइल होता है, लेकिन हवा में जाके वो बहुत सारे वॉरहेड्स में बदल जाता है, और इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट होने से बचाता है। वो किसी भी एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी से इंटरसेप्ट आसानी से नहीं हो पाता है। अगर इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए कितना खास है, जबकि इंडिया तो नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है। इंडिया हमेशा से ये बोलता रहा है कि हम कभी भी न्यूक्लियर वॉर को पहले नहीं छेड़ेंगे, जबकि हमारा नेबर पाकिस्तान वो ऐसा कभी नहीं बोलता, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन है। मान लो कि कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हो जाए और पाकिस्तान को ये पता है कि पाकिस्तान हार जाएगा, तो वो पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि हम हार जाए और हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो इंडिया आके ले जाए हमारे यहाँ से। इसलिए पाकिस्तान ये सोचेगा कि हम तो हार ही रहे हैं तो क्यों ना न्यूक्लियर वेपन का भी यूज कर ही ले। बट इंडिया के साथ ये डायलेमा नहीं होगा कि यूज देम और लूज देम, क्योंकि इंडिया के पास ऐसा टेक्नोलॉजी होगा जो वॉर में इंडिया को आगे रख सकता है बिना न्यूक्लियर वेपन यूज किए हुए, तो इंडिया को अपने न्यूक्लियर वेपन खोने का कोई खतरा नहीं होगा और इंडिया नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पे हमेशा कायम रहेगा। इंडिया के जो मेन एनिमीज है जैसे कि पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान का तो बात ही नहीं है बट चाइना से अगर कभी लड़ाई हुआ तो इंडिया के पास MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि 5 मिसाइल होगी, और ये मिसाइल चाइना के नदर्न मोस्ट पार तक पहुंच सकता है यानी कि चाइना के आखिरी छोर तक। वहीं पे चाइना के पास भी डोंगफेंग यानी कि DF-41 नाम का मिसाइल है जिसका रेंज इंडिया से भी बहुत आगे तक का है। मतलब दोनों देशों के पास इस टाइप का मिसाइल है जो दोनों देशों के लास्ट सीमा तक पहुंच सकता है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।